नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एमई ब्रोकर और मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको इस मार्केट रिलेटेड मेरा और भी बहुत सारा वीडियोज़ देखना है या फिर मुझे कॉन्टैक्ट करना है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं राहुल सरकर शेयर मार्केट बोल के, आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, जहाँ पर आपको बहुत सरस वीडियोस दिखाई देगा। आप कुछ वीडियो को देख लीजिए और भी आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। और मेरा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम भी इस तरीके का कंटिन्यूसली वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए, मैं आपको अब चार्ट में आता हूँ। तो आज को मैं देखिए क्रूड ऑयल एंड गोल्ड दोनों के ऊपर बेस करके दो वीडियो का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो को ऑलरेडी फॉलो करते हैं कंटिन्यूअसली, तो आपको पता है जो लास्ट फ्राइडे को मैं एक वीडियो पोस्ट किया था, जहां पर क्रूड ऑयल का मैं पोजीशन का बारे में थोड़ा सा बताया था, जब सिचुएशन है यहां पर ऐसा चल रहा था। तो उसी को देखिए अल्टीमेट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो अल्टीमेट जो बोला था अल्टीमेट उसका रिजल्ट कैसे गया। तो जो नया है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बिगिनिंग से, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन में जाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए सॉफ्टवेयर का बारे में बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर का काम होता है मार्केट का, ये बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करता है और ट्रेंड का ऊपर डिपेंड करके आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है, जो कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, टारगेट क्या रखना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रिडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, ऐसा बहुत सारा कॉल होता है जो अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में मुझे ट्रेड करना चाहिए और कौन सा कॉल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो जैसे क्रूड ऑयल में, जैसे 29 मई का ये चार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरो है ये हम लोग का सिग्नल होता है। तो जब भी कोई सिग्नल बनता है ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। आपको स्क्रिप्ट को खोलना है, खोलने के बाद राइट साइड में देखिए उसका वैल्यू भी लिखा है, कौन सा वैल्यू में सेल दे रहा है, उसका टारगेट T1 T2 T3 बोल के तीन टारगेट लाइन दिखा, ऊपर में एस एल का एक लाइन देता है, मगर बेसिकली हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पतला सा आपको रेड लाइन दिखाई देगा जो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेन देखिए यहाँ पर सुबह को ये बाय का सॉरी सेल का कॉल बना था। अब मेन चीज़ होगा जो कॉल वाकई क्या सही कॉल था, मुझे इसमें ट्रेड करना था या नहीं करना था, तो वो हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम लोग दो तीन कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अगर वो कंडीशन मैच होता है तभी जाके हम लोग को ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज नॉट। जैसे सेल का कॉल में हम लोग का फर्स्ट कंडीशन होगा, आपको नीचे में एक रिबन चल रहा है जिसका कलर को देखना है, देखिए वो टोटली रेड है, रेड मतलब आपका डाउन ट्रेंड का संकेत होता है। तो सेल का कॉल में नीचे का रिबन का कलर रेड होना चाहिए। सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, वो भी रेड कलर का, तो मुझे दिखाई दे रहा है उसका पहला वाला कैंडल में रेड कलर का स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब है मेरा सेकंड कंडीशन भी मैच हो गया। स्टार एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड को यहाँ पर फिल्टर कर रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। देखिए आपको एक लाइन इंडिकेटर दिखाई देगा जिसका कलर एक बार ग्रीन रेड कुछ भी हो रहा है, तो चाहे कलर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बाइंग एंड रेड मतलब सेलिंग, मगर इसका जो मेन कंसेप्ट है वो है मिडिल का ये व्हाइट लाइन, जिसे हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब ये व्हाइट लाइन मार्केट को बेसिकली डिवाइड कर रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ आपका सामने, तो जहाँ से ये लाइन ये व्हाइट लाइन को ब्रेक करके नीचे आने लगेगा, उसका मतलब वहीं से मार्केट में सेलिंग ट्रेंड में घुस जा रहे हैं स्ट्रांगली। तो जब भी कोई सेल का कॉल बनेगा तब आपका काम है टोटल तीन कंडीशन को मैच करना। एक है स्टार बनाए कि नहीं उसका पहले कहीं पर, नीचे का रिबन का कलर क्या है, और ये नीचे वाला लाइन न्यूट्रल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं, और रेड हो कलर रेड होगा तो और भी अच्छा है आपके लिए। तो ये तीन कंडीशन आपको कंफर्म कर रहा है जो ये आपका कॉल कितना स्ट्रांग है आपके लिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है लगभग ये तीनों कंडीशन ही मैच हो रहा था, इसका मतलब है ये कॉल आपके लिए एक सही कॉल हो सकता है। अब आएगा आपका ऑर्डर पुट। ऑर्डर लगाने के पहले फाइनली हम लोग को और एक चीज़ देखना होता है, जिसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं, कैंडल ब्रेकआउट थ्योरी। हम लोग का सॉफ्टवेयर में जब भी कोई सिग्नल बनता है, जैसे ये सिग्नल का पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल दिखाई देगा जिसका कलर देखिए ब्लू टाइप का है, तो यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये छोटा सा कैंडल है। जो भी हो जब भी कोई सिग्नल बनता है हम लोग का सॉफ्टवेयर में, उसका पहले हम लोग का एक कैंडल बनता है जिसका कलर ब्लू टाइप का है, तो उस ब्लू कैंडल का आपको लो को देखना है
और कंसेप्ट वही रहेगा, जो ब्लू कैंडल होता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, उस कैंडल का लो तोड़ना है, मतलब उस कैंडल का जो लो वैल्यू है उसका नीचे कोई भी एक कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है, देन यू पुट योर ऑर्डर। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है आपको ऑर्डर नहीं डालना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा सेकेंड कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ था ब्लू कैंडल का, उसका बाद आपको अपना रिजल्ट मिल गया। देखिए अल्टीमेट मार्केट यहाँ पर इतना गिरा दिया था। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मार्केट में आप बहुत सारे इंडिकेटर देखे होंगे मगर नीचे का हम लोग का इंडिकेटर टोटली वाइस वर्सा काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर मार्केट गिर रहा था मगर आप देखिए नीचे का जो लाइन है वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये टोटली इस टाइप से बनाया हुआ है, जो मार्केट नीचे जाता है मगर ये ऊपर जा रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा मार्केट ऊपर जाने से भी ऊपर जाता है और मार्केट नीचे जाने से भी ऊपर जाता है, डिपेंड ऑन मार्केट। तो बेसिकली इसका अंदर आप कहीं पर भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जा रहा है तो आप निकल जाइए, अदरवाइज जब ये लाइन न्यूट्रल को ब्रेक कर देगा तब आपका हाथ में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, मतलब आप ऑलरेडी बाइंग जोन में स्ट्रांगली घुस जा रहे हैं। अब देखिए ये बाय का कॉल, जो वीडियो मैं लास्ट टाइम बनाया था ये बाय का बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था, 2493 में बाय दिया था, उस टाइम भी टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ आ गया था। मगर सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, जो कंडीशन को मैच करना, कंडीशन मतलब स्टार है या नहीं, नीचे का रिबन का कलर क्या है और न्यूट्रल को ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो तीनों का तीनों कंडीशन मैच था मगर ट्रेड तभी करना था जब ये ब्लू कैंडल का हाई को तोड़ेगा, मतलब सेलिंग में ब्लू कैंडल का लो को एंड बाइंग में ब्लू कैंडल का हाई को। तो ब्लू कैंडल का हाई था देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 2493, मतलब इसका बाद कोई भी एक कैंडल का वैल्यू 2494 होना चाहिए, मगर इस कैंडल का मुझे क्लोजिंग देखिए ऊपर में दिखाई दे रहा है 2486 मेरा कर्सर पॉइंट पे, मतलब इसका क्लोजिंग को ब्रेक नहीं किया, सेकेंड कैंडल में रेड स्टार दे दिया। रेड स्टार मतलब आपका डाउन ट्रेंड शायद आ गया है, खतरा है और अभी तक आप ट्रेड भी नहीं किए थे। तो इसी टाइम मैं वीडियो को अगले दिन का ख़त्म किया था, बोला था जो अगर इसका बाद मार्केट उठेगा तो मार्केट में फिर से ग्रीन स्टार आएगा तब मार्केट मोमेंटम होगा। देखिए उसका बाद यहाँ पर फिर से ग्रीन स्टार दिया था 5 बजे। तो बोलने का मतलब है कॉल तो बन गया था, देखिए ये बाय का कॉल दिया था 3:50 पे मगर 5 बजे ये स्टार दिया और इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए ऊपर में लिखा है 2494, ब्लू कैंडल का हाई था 2493, मतलब ये जो कैंडल है यहाँ पर स्टार भी बना और ये ब्लू कैंडल का हाई को भी तोड़ा। तो इसका बाद ही मुझे ट्रेड पकड़ना है, इसका पहले नहीं। तो एक्चुअली ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है, कब अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको देगा इसका कोई ठीक नहीं है, वो कभी भी हो सकता है मगर आपको उसके लिए पेशन रखना ही है। उसका बात देखिए फिर से यहाँ पर एक लास्ट में सेल का कॉल बना था, तो ये कॉल उतना सही नहीं था क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा सेल का कॉल का पहले कोई रेड स्टार नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही था। तो अल्टीमेट देखिए मार्केट घुमा के फिर बाय का कॉल दे दिया। तो मेन चीज़ है लॉजिक, लॉजिक को थोड़ा समझना है, अगर लॉजिक के लिए हम लोग समझ के काम करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। अब आता हूँ मैं और एक चार्ट जो गोल्ड में, बहुत बंदा गोल्ड में काम करता है, गोल्ड का भी देखिए अगले दिन का एक चार परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बाय का कॉल दिया था, सिंपल आपका काम होगा जैसे कॉल बनता है पहले कंडीशन को मैच कर लेना, बाय का कॉल में नीचे का रिबन ग्रीन है, पहले देखिए ग्रीन स्टार दिया है और ऑलरेडी नीचे का जो न्यूट्रल लाइन है वो न्यूट्रल को सॉरी नीचे का जो लाइन है ऑलरेडी न्यूट्रल लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब मेरा बाइंग कॉल एकदम परफेक्ट है। मगर ट्रेड कब करना है, जब ब्लू कैंडल का हाई को तोड़ेगा, मतलब उस हिसाब से ये जो फोर्थ कैंडल है या थर्ड कैंडल है जो भी बोलेंगे, थर्ड कैंडल में उसका हाई तोड़ा है, मतलब मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एंट्री लेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव में मुझे दिखाई देगा जो मार्केट मूव कर रहा है। अब देखिए चलते चलते यहाँ पर एक सेल का कॉल बन गया था, तो सेल का कॉल में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर भी कोई रेड स्टार नहीं है तो ये कॉल सही नहीं है, मगर नीचे का लाइन का हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेने के लिए बोल रहा है, मतलब ये लाइन जब यहाँ पर ब्रेक कर देगा तब मेरे ख्याल से वेट करना सेफ नहीं होता है। मगर थोड़ा देर बाद देखिए मार्केट रिवर्स किया, ये लाइन भी चेंज हुआ, फिर से बाय का कॉल बना और ये फिर मोमेंटम किया। अल्टीमेट देखिए यहाँ पर लास्ट में एक सेल का कॉल बना था एकदम रात को 10:50 पे, जब इसका पहले रेड स्टार बना था और ये ब्लू कैंडल का लो को जब तोड़ेगा उसका बाद ये मोमेंटम दिया। तो इसका मतलब है मार्केट में कॉल बहुत सारा बनेगा, इसका मतलब नहीं है जो हर एक कॉल में अचीव होने वाला है या हर एक कॉल में आपको ट्रेड करना है, आपको एक सही कॉल के लिए वेट करना पड़ेगा। कोई अच्छा एक कॉल ही दिन में आपको लंबा प्रॉफिट दे सकता है मगर आपको पेशन रखना है, हड़बड़ी नहीं करना है, बिना कंडीशन का ट्रेड तो करना ही नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरा चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम भी इस तरीके का वीडियो मिलता रहे।
और ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है नॉट ओनली फॉर कॉमोडिटी मार्केट, आप इसमें कोई भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है, आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, इसे देखते हुए आप अपना डिसीजन इजीली ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।